अच्छा देखिए मैं कैसे इसको बॉटम अप लेके जाऊंगा और जो बेटर का आईडिया है ना उस तरह का। सबसे पहले हम ये बेस केस करते हैं। बेस केस का मतलब यह है कि हम उसकी डायगनल एंट्री पे जाके 0 0 0 डायगनल एंट्री का मतलब क्या है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 इन सब के ऊपर क्या पड़ा हुआ 0 0 0 पड़ा हुआ। ठीक, इसका मतलब क्या है कि मैंने वन लेंथ की अगर मैट्रिक्स हो तो उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। ओके, उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व ओके या वो मत। और नाउ लुक, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इस तरह का काम करेंगे। पहले हमने जो मैट्रिसेस निकाली हैं वो एक लेंथ की निकाली, एक एक लेंथ का हमने सॉल्यूशन करा। Everybody understand? Yes, sir. So look at this. वो कहता है
एस इज इक्वल टू वन से लेकर, अच्छा एक और बात होता है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितना आने जाए, मैं अगर वन पे खड़ा हूं और मैंने आखिरी वाले पे जाए तो मैं कितना ऐड करूं उसे, एन माइनस एक्स माइनस वन तक सर। अगर मेरे अगर मैं वन पे खड़ा हूं और मैंने एन पे जाना तो कितना ऐड करूं उसे, एन माइनस एस क्यूब। अगर मैं वन पे खड़ा हूं, वन पे खड़ा और मैंने लेफ्ट से मैं वन पे खड़ा और मैंने हंड्रेड पे जाना तो कितना ऐड करूंगा, 99 ऐड करूंगा। अगर मेरा हंड्रेड जो है वो एन है तो और मैं वन पे खड़ा हूं तो मुझे कितना ऐड करना है, माइनस वन ऐड करना, राइट। सो एस इज कितना मैंने आगे जाना है और ये जो क्वांटिटी है वो वन से लेकर एन माइनस वन तक जा रही है, आखिरी दफा इसने एन माइनस वन का पुश करता हुआ यहां से लेकर एन माइनस वन अहेड तक आगे चलते हैं। अब देखें ये कर क्या, यहां पर एक लूप चलाता है आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन माइनस एस तक, ठीक है। वट इज दिस फॉर आई इज इक्वल टू वन और यहां से एन माइनस एस लगा रहा है, ये क्यों लगा रहा है, ये वही है जो कि हमने यहां पर जस्ट डिस्कवर किया कि जब हमने s की वैल्यू 1 है तो मतलब वो 2 2 के सारे पेयर निकाला और कितने पेयर निकालेगा, वो n माइनस s पेयर निकालेगा, एक्चुअली n माइनस 1 पेयर निकालेगा जब हमारे पास s की वैल्यू 1 है। जब s की वैल्यू 2 है तो कितने पेयर निकालेगा, n माइनस 2 पेयर निकालेगा, और अगर s की वैल्यू 3 होगी तो कितने पेयर निकालेगा, n माइनस 3, अगर s की वैल्यू s होगी तो कितने पेयर निकालेगा, n माइनस s पेयर। ये लूप बिल्कुल वही काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आई किसी का स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आई किसी का स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स आई है, तो इस वाले का एंडिंग पॉइंट क्या होगा अगर उसकी लेंथ ऐसा है, तो एस एस के मैंने कितना उससे आगे जाना है, तो वन से अगर एस की वैल्यू वन है तो वन से कहां तक जाना है, टू तक जाना है ना, सो आई एस पर आगे जाना है। देखो मैं कह रहा हूँ मेरा जो पहला पेयर है वो शुरू होकर आई से होता है और उसकी उससे मैंने कितना आगे जाना है, एस एस आगे जाना है, तो जे की वैल्यू कितनी होगी मुझे, आई प्लस एस, आई प्लस एस। तो मैं कहता हूँ वो कहता है जे जो है वो मेरा क्या होगा, आई से शुरू हो रहा है तो जे जो मेरा होगा वो आई प्लस एस होगा, ठीक है। सो अगर मेरे S की वैल्यू 1 है तो पहली बार ये लूप चलता है तो ये क्या कंप्यूट करेगा, I की वैल्यू 1 होगी और J की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 अब 1 2 कंप्यूट करने के लिए वो क्या करेगा, हमें याद है K को वैरी किया था, K कहां से कहां तक वैरी हुआ, S की वैल्यू क्या होगी, हां S की वैल्यू 1 है, S भी 1 है, S बेटा ये नेचुरल लूप लगा ना, तो S की पहली वैल्यू 1 है तो वो कह रहा है 1 1 के डिस्टेंस के जितने भी है सारे कंप्यूट कर, ठीक है। तो वो 2 2 के सारे पेयर निकाल दो, ठीक है। तो ये मेरा 1 से ले तो पहली वैल्यू कंप्यूट होने के लिए जा रही है ना, वो है C 12। अब C 12 कंप्यूट करने के लिए वो एक और रिकर्सिव कॉल करता है, इसकी C ये K की वैल्यू कितनी होगी, ये K कहां से कहां तक वैल्यू होगा, I से लेकर J तक, तो पहली K की वैल्यू कितनी होगी, I, तो ये करेगा C I I को बताएं हम क्या कॉल होगी, C I I ये कितनी होती है, 1 1 होती है और प्लस ये क्या होगी, सी के प्लस वन और जे जो कितनी होगी, सी टू टू और यहां पर कितना आएगा, प्लस ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, एम आई हमारा क्या है, कितना है, वन है, वन माइनस वन इज जीरो, विच मीन्स एक्चुअली इसकी डायमेंशन जो कितना आ जाएगा, वो आएगा एम जीरो इंटू एम वन इंटू एम टू, बस नहीं, विच एसेंशियली इज, हाँ जी, C11 किसके बराबर, जीरो के बराबर, C22 किसके बराबर, जीरो के बराबर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये एक्चुअली दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ओके। आगे देखें, जब वो अगली दफा जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो वो 2 से 3 तक जाए और 2 से 3 तक करेंगे 2 2 की कॉल करेगा, 3 3 कॉल करेगा और यहां पर जो कंप्यूटेशन होगी वो 2 से लेकर 3 तक के लिए तीन तीन की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये 2 से लेकर 3 तक का आंसर आ जाएगा। एक्चुअली अगर आप इसको देखें तो ये जो मैट्रिक्स है उसमें यहां पर इसने सबसे पहले ये कंप्यूट किया, इसका मतलब तमाम उसने एक-एक लेंथ के कंप्यूट कर लिए, फिर वो एक यहां जाता है वो ये कंप्यूट करता है यहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या है, वो है फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है 1 और 2, 1 2 मतलब 1 से लेकर 2 तक का आंसर, यहां पर क्या हुआ, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो
पर टू से लेकर थ्री तक का आंसर, फिर क्या आएगा थ्री और यहाँ आएगा क्या फोर, यहाँ क्या आएगा फोर, यहाँ आएगा फाइव, यहाँ आएगा सिक्स, यहाँ आएगा सबसे पहले जो ये कंप्यूट करता है वो ये कंप्यूटर है ना। आगे सुनो, अगले जो मजदार चीज है ना वो बहुत कमाल है। अब जब वो अगली वैल्यू कंप्यूट करेगा वो कंप्यूट करेगा वन और ये क्या है थ्री, ये अब वन थ्री कैसे कंप्यूट होनी चाहिए बुढ़िया को। वन थ्री कंप्यूट होने के लिए ये देख लीजिए, इसका मतलब मैंने ये कंप्यूट करना है राइट। अब इसे कंप्यूट करने के लिए या तो मैं वन पे कट लगाऊंगा या मैं टू पे कट लगाऊंगा, थ्री पे नहीं लगाऊंगा है ना। तो इसका मतलब अगर मैं वन पे कट लगाऊंगा तो मेरी कॉल जाएगी, सो लुक एट दिस, सी वन थ्री विल बी इक्वल टू Either I will cut one, तो C one बना अलग हो गया और plus call हो जाएगी किसकी C two three की, ऐसे ही है। C one one मेरे पास पहले है, C two three भी मेरे पास पहले ही है और plus हो जाएगा क्या, यहाँ आएगा M, हाँ जी बताएं M zero into M two into M, ठीक है ये मुझे dimensions पहले ही पता है, अब मेरा आंसर बस नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, मैंने कट कहां पर लगाया टू पर, तो के की वैल्यू वेरी कर रही है ना, तो यहां पर आएगा c12 plus c33 plus यहां पर दोबारा से आ रहा है क्या m0 into m यहां पर प्रेशर में m1 हां यहां पर m1, तो यहां पर क्या आ रहा है m2 और यहां पे आ रहा है m3, यानी पहले वाला m0 रहेगा पूछो, हां ये m0 ये i i-1 है जी, ये कितना है ये भी हमने पहले निकाला हुआ है जो कि टू लेंथ से हमने पहले निकाला है और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक जीरो लेंथ का जो हमने पहले जो पहले निकाला हुआ है ना। जब हम थ्री लेंथ का कंप्यूट करने के लिए जाते हैं तो टू लेंथ के वन लेंथ के जीरो लेंथ के हमने पहले कंप्यूट किए होते हैं। जब हम फाइव लेंथ से कंप्यूट करने के लिए जाएंगे तो फाइव लेंथ से कंप्यूट करने के लिए उसको फोर लेंथ का चाहिए, उसको थ्री लेंथ का चाहिए, टू लेंथ का चाहिए और वो हमने तमाम से तमाम पहले कंप्यूट कर लिया है। सो टेबल हमारा पता किस ऑर्डर में प्रिंट होगा, सेम होगा पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये आखिरी वाली उसी का प्रिंट होगी इसकी, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये मैं आप जो कोड बता रहा हूँ ये CLRS का है, CLRS में और इस पर सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पर हमने S रखा था, S का मतलब था कि मैंने किसी भी कॉन्फिगरेशन से ना आगे जाना है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेंथ रखता है, लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब यह है कि मैंने कितनी लेंथ की मैट्रिक्स लिखी, ठीक है। तो इसीलिए आप देखें तो एस हमने शुरू किया था कहाँ से, वन से और आई माइनस वन तक गए, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ का एट्रीब्यूट है वो टू से शुरू होगा, ये पहले वो वन वन पहले ही निकाल चुका है, तो वो वन वो टू से लूप शुरू करेगा, कहाँ तक जाएगा वो एन तक जाएगा। यहाँ पर एल वो टू से शुरू करता है और एन तक जाता है और जो लूप है यहाँ पे याद है हमने S1 किया था N minus 1 तक ले गए, तो यहाँ पर वो 1 से जा कहाँ जाएगा N minus L plus 1 तक है। Why N minus L plus 1? N minus 1 भी हो जाता है। हाँ क्योंकि L की वैल्यू 2 है, 2 यहाँ पर है, 2 minus minus 1 तो वो दोबारा से उसको N minus 1 तक ले गया। ये बात समझ? और यहाँ क्या हो जाएगा? Again यहाँ पर जो J है वो I plus L minus 1 तक होगा। Why plus L minus 1? क्योंकि 2 length कहते हैं, तो मैं 1 में खड़ा हूँ। 2 length का मतलब क्या होना चाहिए? 1 और 2। लेकिन वन में मैं टू ऐड करूं तो थ्री पहुंच जाएगा, तो मुझे एक और मान के मैंने बाउंड्री इंक्लूडेड कर ली है तो मुझे एक माइनस वन करना है। सो ये क्या होता है, आई प्लस एल माइनस वन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो इंफिनिटी रख देता है और फिर यहाँ पे वो एक नया क्यू कंप्यूट करता है जो कि बिल्कुल वही मैट्रिक्स के साथ आएगा और यहाँ पर कहता है क्या ये क्यू की वैल्यू पहले पड़ी हुई एम आई जे की वैल्यू से अगर छोटी है तो उसका मतलब है ये रिप्लेस होना है, साथ ही इस एस आई जे के ऊपर क्या अपने बुक कीपिंग कर देनी है, ये जो के है ना इस के को सेव कर दो। इस के का मतलब क्या है कि पहला कट यहां लगता है, जी बात समझ, क्योंकि जो उसे जो सारी पॉसिबिलिटीज उसे पहला कट हमें जो है वो याद रखना है, क्यों, क्योंकि सिर्फ पहला कट ही याद करने की जरूरत है, जब ये वाला जब ये बाबा कट करने के बाद क्या होगा, ये वाला छोटा पोर्शन चला अलग हो जाएगा, ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, फिर करेंगे पिछला पढ़ा हुआ पिछले और फिर उसके ऊपर हम रिकर्सिव एडिशन
ठीक है। सो एक्चुअली आपको ना ये आप ये इस तरह का मेडिसिन बनता है, ये जानबूझ के ना ऐसे लिखा हुआ प्लीज रहे, ये मेडिसिन नहीं, मेडिसिन ये एक्चुअली थोड़ा सा ना एक्चुअली मैंने आपको बता दिया है कि मेडिसिन में ये फिर तो उसने ना ये वाला पोर्शन के सारे जीरो होते हैं, तो उसने ना एक्चुअली इस पोर्शन को यू उठाया और यू उठा के यू रहा सामने, ठीक है, ताकि आप ये दिख सकें। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये आपका जे है, ये आपका आई है, यहाँ पे ये सारे जीरोस पड़े हैं डायगोनल के, ये वैल्यूज क्या कंप्यूटर नहीं है, ये एक एक लेंथ यानी दो दो पेयर की कंप्यूटर नहीं है, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या कंप्यूट करेगा, यहाँ पे वो तीन तीन लेंथ से कंप्यूट करेगा, यहाँ पे चार चार लेंथ, यहाँ पे पांच पांच, और यहाँ पे छठे पे कंप्यूट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे सुषुम क्या है, ये देखिए जी आप बता सकते हैं ये जो पहला कट है ये कहाँ पड़ेगा, एक बात कंफर्म हो गई, ये अलग हो गया और ये अलग, ठीक है। आप मुझे बताए A1 से 3 तक का सॉल्यूशन कहां पड़ता है, A1 3 का मतलब है कि एक्चुअली सॉल्यूशन पड़ा हुआ ये, ये और यहां से देखें तो ये है, तो ये कहां पे लिखा हुआ है, 1 पे ना, 1 पे कट लगता है, इसका मतलब है कि पहले इस पोर्शन में कहां कट लगेगा, 1 पे, तो ये कट अलग हो गया, ये कट अलग हो गया, यहां पे ये समझ आ गया। अब बताएं 4 से 6 पे क्या है, 4 6 यहां पर है, यहां पे किस पे कट लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है, तो 5 का मतलब है यहां पे कट लगना है, उसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा जी, ए 4 एंड 5 हो गया, ये सबसे ऑप्टिमल है। और इसके अंदर कितनी बड़ी प्रिसिशन है, और मैं इसके बड़ी प्रिसिशन 15,100 पेजेस, ठीक है। सो जो भी आपको मैट्रिक्स दी हुई है उसमें भी और मेक सेंस, ठीक है, एक मिनट प्लीज, अभी है सर बात कर रहे हैं, तो कभी और है सर, प्लीज साइलेंट। अगेन ये देखें, ये आपकी ये हमारे सर साहब ने आपके सामने बनाई है, ये उनकी स्लाइड है, यू कैन एक्चुअली सी सर, ये देखें, ये आपको इस खबर में एक इंस्टेंट, ये हमारे ऊपर 6 मैट्रिक्स है, 6 5 5, ये 5 मैट्रिक्स है, पर ऑन द स्केल बदलनी है सर, ये 10x20 की है, ये 20x30 की है, ऐसा हो, ठीक है। और ये सबने 2-4 का इंस्टेंस सॉल्व, 2-4 का मतलब क्या है, 2 से लेकर 4 यानी मैट्रिक्स यानी यहां से लेकर यहां यहां, ठीक है। और इसका सबने जो आंसर निकाला है यहां पर, ये तो इसका आंसर होगा, लेफ्ट वाले का आंसर होगा ये प्लस ये, इसका आंसर होगा ये प्लस ये, ओके। ये देखिए जी, ये इसका 1-4 का ट्री बन गया, ठीक है, और ये भी 1-4 का ट्री है, लुक एट दिस, ये 1-4 का ट्री है, ये देखिए ये 1-5 का ट्री, तो यू कैन एक्चुअली सी ये इतना बड़ा ट्री बन जाता है, ओके। और मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि अगर इस रिकरेंस को आप और से देखें तो आप अगर देखें तो हर पॉसिबल कट लगा रहे हैं, हर पॉसिबल कट का मतलब क्या, 1 पे कट लगाते हैं, 2 पे कट लगाते हैं, 3 पे कट लगाते हैं, और रिकर्सिवली इसकी भी कॉल देखते हैं, इसकी भी कॉल, है ना, इजंट इट एग्जैक्टली लाइक दिस, कि दिस इज कि आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम एन लेंथ का है, और एन लेंथ की प्रॉब्लम में पहला कट आप 1 का लगाते हैं, तो फिर आप कितने की रिकर्जन दोबारा कॉल करते हैं, 1 लेंथ की, और 1 लेंथ की कॉल करते हैं, और n माइनस 1 लेंथ की कॉल करते हैं, प्लस k आपका 2 पे जाता है, तो यहां पे क्या हो जाता है, c 2 और n माइनस 2 की कॉल जाती है, है ना, फिर प्लस, डोंट यू थिंक कि यहां पर एक्चुअली समेशन बन रहा है, c i इनटू n माइनस i, व्हाट इज दिस इक्वल टू, this is Catalan category, okay, the total number of parenthesizations are actually exactly equal to Catalan, okay, total number of parenthesizations jo milti hai wo itni zyada hoti hai, theek hai, agar aap iski
की मेमोराइजेशन नहीं करेंगे तो आप बच जाएंगे। तो इवन आप तो कह रहे थे ना कि हम जो हम मल्टीप्लिकेशन से बचवा लेंगे, वो मल्टीप्लिकेशन से नहीं बचे। क्यों? क्योंकि इवन वो पैरेंटलाइजेशन भी कंप्यूट करना इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टास्क अगर आप उसको मेमोराइजेशन से सॉल्व नहीं करते। अच्छा जी एक बात सुने, एक हमने दिखा दिया, ठीक है। अच्छा मुझे याद है।